गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कराने वाली हूँ आपको पंचुएशंस। ठीक है, पंचुएशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। पंचुएशन क्या होता है कि हर जैसे हमारे कि कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज़ होना है, फुल स्टॉप कहाँ पर यूज़ होना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज़ होना है, ये जो मार्क्स हैं हमारे इंग्लिश में जो यूज़ होते हैं इनको करेक्ट जगह पर रखना ही पंचुएशन कहलाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड। मैंने श्याम से कहा कि तुम फेल नहीं होगे यदि तुम क्या करोगे, कठिन परिश्रम करोगे। तो आई जो पर्सन बोल रहा है तो सबसे पहले इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आई सेड टू श्याम, ठीक है। अब जो श्याम है वो भी कैपिटल लेटर में आएगा, आई भी कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक, तो आई सेड टू श्याम, उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर जो कन्वर्सेशन होगी उसे इन्वर्टेड कॉमाज में, कॉमा और इधर यहाँ पर दो इन्वर्टेड कॉमाज लगाएंगे, जैसे यहाँ यू के बराबर में लगे हुए हैं। ठीक है, और यू जो फर्स्ट वर्ड है वो भी हमारा कैपिटल में होगा, वाई वाला। ठीक है, वाई ओ यू, ओ यू तो हमारे स्मॉल में होंगे, फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल में होगा। यू विल नॉट फेल, तुम फेल नहीं होगे इफ़ यू वर्क हार्ड। उसके बाद सब कुछ क्या होगा, स्मॉल में होगा, कोई भी वर्ड हमारा कैपिटल में नहीं होगा, लास्ट में फुल स्टॉप और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। सेकंड देखिए, द लॉयर सेड, लॉयर ने कहा, तो इसमें देखिए द लॉयर, सबसे पहले तो ये डी टी है, ये कैपिटल लेटर में आएगा टी। ठीक है, द लॉयर, और लॉयर का भी एल कैपिटल में, क्योंकि एक एक पोस्ट का नाम है। लॉयर सेड, सेड के बाद क्या आएगा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यूज होगा। अभी बताती हूँ मैं नीचे कैसे करेंगे, पहले इसे पढ़ लीजिए। व्हाट इज योर नेम, द यंग मैन रिप्लाइड, माय नेम इज रमेश, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। ठीक है, और इसमें लास्ट में ना तो फुल स्टॉप दे रखा है, ना कुछ दे रखा है, ना इसमें, तो यहाँ पर हमें ऐसे ही उसमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड कैसे बनाना है, द लॉयर सेड, तो फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल में होगा द लॉयर। ठीक है, द लॉयर सेड, क्या फिर उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो भी कोई बात कही जाएगी उसे इन्वर्टेड कॉमाज में ही कहा जाएगा। फिर जब वो फर्स्ट वर्ड जो है इन्वर्टेड कॉमाज का किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से, डब्ल्यू। व्हाट इज योर नेम, अब उसने क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में यहाँ पर क्या लगाया है, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पर हमने अपने इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज कर दिया। ठीक, व्हाट इज योर नेम, उसके बाद द यंग मैन रिप्लाइड, उसने लॉयर ने क्या पूछा है, नाम पूछा है, व्हाट इज योर नेम, अब किसने उत्तर दिया है, द यंग मैन, तो टी कैपिटल लेटर में बनेगा। द यंग मैन रिप्लाइड, रिप्लाई किया है उसने, उत्तर दिया है, फिर अब जो उसने उत्तर दिया है वो किस में होगा, इन्वर्टेड कॉमाज में, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमाज ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला, माई नेम इज रमेश, तो माई का एम भी कैपिटल में और उसका जो नाम है, हमेशा नाम तो कैपिटल में होता ही है, तो माई नेम इज रमेश, फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि वहां पर बात खत्म हुई है। उसके बाद उसने क्या बोला है, नेक्स्ट सेंटेंस जोड़ा है, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस, मैं किस लिए आया हूँ, आपकी यहाँ पर एडवाइस को लेने के लिए आया हूँ। तो आई, उसके बाद हैव टू कम, यहाँ पर सब स्मॉल में रहेगा और यहाँ पर फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जब अगर इन्वर्टेड कॉमास ओपन हुआ है तो क्लोज भी जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपने ओपन तो कर दिया और क्लोज नहीं किया। नेक्स्ट है, आई सेड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाय अ न्यू ड्रेस। आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा, तो आई किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। ये देखिए, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा। ठीक है, अब माई फादर को उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल लेटर में आएगा क्योंकि ये कोई नाम नहीं है। ठीक है, आई सेड टू माई फादर, फिर कॉमा और फिर इधर इन्वर्टेड कॉमा शुरू। उसने क्या कहा, क्वेश्चन पूछा है, विल यू गिव मी 200 रुपीज, कि आप मुझे क्या देंगे, क्या मुझे 200 रुपीज देंगे, है ना, क्वेश्चन कर लिया, तो हमारा जो डब्ल्यू वर्ड है वो कैपिटल में होगा, विल यू गिव मी 200 रुपीज। उसके बाद अभी पूरा क्वेश्चन एक साथ चलेगा, एज आई विश टू बाय अ न्यू ड्रेस, क्योंकि क्यों क्या खरीदनी है, कि उसकी इच्छा है कि क्या खरीदने की, एक नई ड्रेस खरीदने की। उसके बाद क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रही है, तो क्वेश्चन मार्क और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दें, बस इतना करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फोर्थ में क्या है, द टीचर सेड टू ममता, अब टीचर ने ममता से कहा, तो आप ये देखिए उसके बाद यहाँ तक तो क्या होगा, द टीचर सेड टू ममता, यहाँ तक तो बात पहले ये पता चल रहा है कि किसने किससे कहा, तो द उसके बाद टीचर, टीचर को ऐसे ही लिख देंगे, टीचर सेड टू ममता, अब ममता है तो ममता कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में आएगा, उसके बाद फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएगा, कोमाज इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो क्वेश्चन क्या पूछ रही हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या किसने में लिखेंगे, हैव को
एच को कैपिटल मिल गए, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। अब ममता क्या आंसर दे रही है, ममता आंसर, तो ममता तो कैपिटल में एम कैपिटल में आएगा क्योंकि नाम है ममता, आंसर्ड कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, क्या आंसर दे रही है, आई एम सॉरी, है ना सर, आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सकती सकी, मैं ये काम नहीं कर सकी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ है, हरी सैड, हरी ने कहा अंकल मे आई हैव इन, आई हैव अ फ्रेंड विद मी, अंकल राम सैड यू आर मोस्ट वेलकम ड्यूरिंग अवर जर्नी टू दिल्ली, वी स्लेप्ट रीड एंड प्लेड कार्ड्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हरी ने कहा, अब ये बड़ा सेंटेंस है, इसे देखिए कैसे बनाएंगे, हरी सैड, हरी ने कहा क्योंकि नाम है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अंकल, अब अंकल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अंकल के बाद कॉमा लगा दिया, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क, आई हैव अ फ्रेंड विद मी, मेरे साथ मेरा एक क्या है फ्रेंड भी है, तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ पर क्लोज करेंगे, वहाँ पर नहीं। अंकल राम सैड, अंकल अंकल ने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है तुम्हारा बहुत स्वागत है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे ये, ड्यूरिंग अवर जर्नी टू दिल्ली वी स्लेप्ट रीड एंड प्लेड कार्ड, अपन जो दिल्ली के लिए हमारी जर्नी थी उसमें हमने सोए भी, हमने रिग्ड भी किया और हमने कार्ड्स प्ले किए, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज योर नेम, आस्क माई मदर, आई रिप्लाइड माई नेम इज कृष्णा, अब पहले क्या करेंगे, माई मदर आस्क, मेरी माँ ने पूछा है ना, तो लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, इन्वर्टेड कॉमास से शुरू करेंगे, व्हाट इज योर नेम, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, किसने पूछा है, आस्क माई मदर, मेरी माँ ने पूछा, फिर फुल स्टॉप, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, फिर उसे इन्वर्टेड कॉमास में माई नेम इज कृष्णा और के कैपिटल में लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। नेक्स्ट है सेवन्थ, इज योर फाइनल डिसीजन, आस्क रमेश, आई रमेश, आई एम एफ्रेड, आई कांट, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, सेड अलोक, वो कह रहा है इज दिस योर फाइनल डिसीजन, तो इज स्टार्ट है इज से, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, तो क्या इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे इज दिस योर फाइनल डिसीजन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, किसने पूछा, आस्क रमेश, तो रमेश का आर किस में होगा, कैपिटल में, फिर उसके बाद आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ, आई कांट चेंज माई डिसीजन, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, सेड आलोक, आलोक ने कहा, आलोक क्योंकि नाम है तो ए कैपिटल में आएगा और सारे वर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्योंकि यहाँ पर क्लोज हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू।